मेन लीडर है इसलिए ओके अरुण जी कहेंगे अरुण जी को बुलाओ भैया खुले खुले का दिन हर एक जम्मू कश्मीर वासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पावन दिन है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था और जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अविभाज्य हिस्सा बन गया था। आज 26 अक्टूबर के विलय दिवस के इस पावन दिवस पर पूरे जम्मू कश्मीर में भव्य तरीके से इस दिवस को मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर का विलय दिवस उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व, इन पर्वों का महत्व है। उसी प्रकार 26 अक्टूबर विलय दिवस का भी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। 26 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 अक्टूबर का दिन हमें याद करवाता है वो सशक्त नेतृत्व उस समय का महाराजा हरि सिंह जी का, जिन्होंने लाख विपदाओं के बाद भी जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय 26 अक्टूबर को भारत के साथ किया और जम्मू कश्मीर वासियों की एक दिशा और दशा तय की, क्योंकि उस समय के हालात बड़े नासाज थे। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू हो या अंग्रेज हो, वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हो और उन्होंने अटकाने का काम किया, परंतु सशक्त नेतृत्व तो महाराजा हरि सिंह जी का था, जिसके कारण आज हम तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय घोष का नारा करते हैं और याद करने का दिन है ऐसी महाविभूतियों को, चाहे वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हो, चाहे मेजर सोमनाथ जी हो, ऐसे अनगिनत महापुरुषों के कारण जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ संपूर्ण विलय हुआ।